फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस में बाजार बंद होने के बाद पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है और आज तो शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी और शेयर लगभग 6% के आसपास घटकर नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अभी जो फोर्थ क्वार्टर की बिजनेस अपडेट आई है वहाँ पर इस बार कस्टमर बेस भी बढ़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ा है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत हल्के फुल्के पॉजिटिव इफेक्ट शेयर पर आने की उम्मीद है। हालांकि ये मिले जुले ही आंकड़े मुझे तो लग रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड जो पिछले साल की बात करें तो 4,26,00,000 के आसपास बजाज फाइनेंस के कस्टमर थे, वो इस बार बढ़कर 4,86,00,000 के आसपास पहुंच गए। तो पिछले साल के मुकाबले कस्टमर बेस बढ़ा है और पिछली बार जो चौथे क्वार्टर में 19,00,000 कस्टमर को एक्वायर किया था वो इस बार 23,00,000 न्यू कस्टमर को एक्वायर करने में कामयाब रही। तो पिछली बार के चौथे क्वार्टर के मुकाबले इस बार ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर किए और न्यू लोन बुक की बात करें तो इस बार 5.5 मिलियन रही है, जो कि पिछले साल 6 मिलियन यानी कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही नए लोन बुक में। तो यहाँ पर थोड़ा निराशा है, मगर ओवरऑल फ्रेंड्स एसेट अंडर मैनेजमेंट जो पिछले साल 147,00,000 करोड़ के आसपास थी वो इस बार 153,00,000 करोड़ आई है। तो यहाँ पर लोन बुक में एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है और चौथे क्वार्टर में लगभग 9,500 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ी है। तो यह बहुत ही शानदार मुझे लग रहा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि हल्का फुल्का शेयर पर पॉजिटिव इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड डिपॉजिट भी पिछले साल जो 21,427 करोड़ थी वो बढ़कर 25,800 करोड़ रही है और इस चौथे क्वार्टर में 2,000 करोड़ डिपॉजिट में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ओवरऑल फ्रेंड मुझे लगता है अब यहाँ से बजाज फाइनेंस में धीरे धीरे वापस एसेट अंडर मैनेजमेंट अगले आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस वजह से फ्रेंड अभी जिस लेवल पर शेयर ट्रेड कर रहा है यहाँ से तो मुझे इस शेयर में पॉजिटिव ही रुझान रहने का अंदाजा है, क्योंकि अब यहाँ से पॉजिटिव ही इस कंपनी के लिए सब कुछ होगा ऐसा मेरा क्लियरली मानना है। और